जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों पेट की बढ़ती चर्बी कई परेशानियों का कारण है। सबसे पहले तो ये आपके लुक को खराब करता है, इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण ये समस्या होती है। इस समस्या से निपटने के लिए लोग कुछ ऐसे उपायों की तलाश में रहते हैं जो उनके पेट पर जमा चर्बी को झट से गायब कर दे। इसके लिए लोग तमाम कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ ऐसे आसान और असरकारी उपाय जो आपके पेट पर जमा चर्बी को 7 दिनों में गायब कर सकते हैं। तो जानिए हमारे साथ उन बेहद खास उपायों के बारे में। सबसे पहले है कि आप उपवास करें। हफ्ते में 1 दिन उपवास करना शरीर के लिए लाभकारी है। अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, खाने का सामान सामने आते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करें। इस दौरान सिर्फ पेय पदार्थों या फलों का सेवन करें, जैसे नींबू पानी, दूध, जूस, सूप इत्यादि चीज़ों को प्राथमिकता दें। आप चाहें तो सब्जियों का सलाद या फ्रूट खा सकते हैं। सलाद शरीर में फायदेमंद होने के साथ वजन घटाने में कारगर होता है। अगला है योगा करें। पेट की चर्बी कम करने के लिए योगासन अच्छा विकल्प है। हर सुबह नियमित रूप से योगा करने पर शरीर पर जमा चर्बी को कम किया जा सकता है। ध्यान रखें, योगासनों का चुनाव करते समय पेट की चर्बी घटाने वाले योग को ही चुनें। योग शरीर को तमाम तरह की बीमारियों से दूर रखता है। रोजाना सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाएं, सर्वांगासन, भुजंगासन, वज्रासन, पद्मासन, शलभासन, ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। जंक फूड को ना कहें। दोस्तों अगर आप अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए गंभीर हैं तो जंक फूड से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जंक फूड तेजी से वजन बढ़ाने का काम करते हैं। कोशिश करें कम तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन ही करें। कभी कभी स्टीम सब्जियों का सेवन भी फायदेमंद होता है। सामान्य आटे के बजाय जौ और चने के आटे को मिलाकर चपाती खाना चाहिए। अगला है गुणकारी शहद। वजन घटाने या मोटापा कम करने के लिए शहद का सेवन भी फायदेमंद होता है। गुणकारी शहद की थोड़ी सी मात्रा रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं और फर्क देखें। इससे आपके पेट पर जमा चर्बी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। अगला है ग्रीन टी का सेवन। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो दूध की चाय को बाय बाय कहें और ग्रीन टी पीने की आदत डालें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी, लेमन टी या फिर ब्लैक टी लें। दरअसल दूध की चाय पीने से आपके जो मोटापा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टहलना ना भूलें। सुबह शाम की सैर शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखती है। पेट की चर्बी को दूर करने के लिए रोजाना सुबह उठकर कुछ देर सैर पर जाएं और रात के खाने के बाद तुरंत सोने की जगह आप कुछ देर टहलें। इससे आप अतिरिक्त कैलोरी को आसानी से कम कर पाएंगे और पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम कर सकेंगे। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।